चलो पेपर निकालो, पेपर डिस्कस करते हैं। मेडिकल का क्वेश्चन देखो, सेम क्वेश्चन है मेडिकल और नॉन मेडिकल में। मेडिकल में थोड़े ज्यादा है तो नॉन मेडिकल वालों का भी बेनिफिट हो जाएगा, और जो इंटीजर टाइप है वो भी मेडिकल में डाल रखे हैं पर उसमें ऑप्शन दे रखे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। और जो फिजिकल के हैं बेटा, मोलेरिटी और मोलेरिटी के, वो आज शाम तक विशाल सर उसकी वीडियो, जो 10-12 क्वेश्चन फिजिकल के हैं ना सॉल्यूशन के, विशाल सर उसकी वीडियो आपको डाल देंगे आज शाम तक। ऑर्गेनिक के मैं आपको रिवाइज कर देता हूँ, बता देता हूँ। देखो पहला 46 ये है बेटा, इसके अंदर थोड़ा जल्दी जल्दी देखो, और ये है 8 ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो भाई मैंने आपको बताया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अच्छा एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, पहले अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, क्लियर है? अब देखो पहले वाले इसमें केस में देख लेना, नॉन मेडिकल में कौन सा है क्वेश्चन ये। इसमें डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है और 6 मेंबर रिंग के अंदर है। इसमें देखो ये एंटी एरोमेटिक बन गया, समझ में आ रहा है? यहां 6 मेंबर रिंग में ही है पर रेजोनेंस नहीं है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा पहला वाला, फिर ये होगा सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला। तो स्टेबिलिटी फर्स्ट की, फिर सेकंड ये इसकी, फिर इसकी होगी, है ना? तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा? सेकंड की। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है ना, सबसे ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सेकेंड की, ये वाला, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, सबसे कम स्टेबल है। तो इसकी ही सबसे कम, लीस्ट स्टेबल। क्यों है लीस्ट स्टेबल? एंटी एरोमेटिक देखो ये बन गया है, तो आंसर सी पार्ट है, क्लियर है? फर्स्ट एंटी एरोमेटिक कैसे है भाई? फर्स्ट है नॉन एरोमेटिक, ध्यान से देख, कोई कंजुगेशन कंप्लीट हो रहा है क्या? अब देखो क्वेश्चन नंबर 47 में सब में एक एक डबल बॉन्ड है पर इसके अंदर हाइपर कंजुगेशन पहले वाले में 2 है ना, ये है 47 ये है भाई। इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, है ना? पर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये, क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम होगा। सबसे कम स्टेबल होगा ये, क्योंकि एंगल स्ट्रेन ज्यादा है। तो आंसर क्या हो गया इसके अंदर? हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो सबसे ज्यादा फर्स्ट में हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा है बेटा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो फर्स्ट की ज्यादा हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसके बाद होगी फिर सेकेंड की और फिर होगी थर्ड की। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट 48, देखो अच्छा क्वेश्चन है 48, देखो ध्यान से इसको। CH3, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, इसको ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको सी बोल दिया। अब देखो भाई इसमें ध्यान से, इधर हाइपर कंजुगेशन 3 और 3 6 2 8 और 2 10, 10 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास। यहां कितने? 2 2 4 2 6 2 8, इसके पास कितने? 8 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने? 2 और 2 4 अल्फा हाइड्रोजन। अब यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है तो इस डबल बॉन्ड का डिस्पर्शन भी ज्यादा होगा। अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा तो ज्यादा हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे ना, तो इस डबल बॉन्ड का डिस्पर्शन ज्यादा होगा। तो सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी इसकी, सी डबल बॉन्ड सी की। तो इसमें आंसर हो गया बेटा सी की बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा, सी के बाद बी की, बी के बाद ए की। क्लियर है? बोलो, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होने से स्टेबिलिटी भी बढ़ रही है पर इसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ रही है क्योंकि डिस्पर्शन ज्यादा हो रहा है। स्टेबिलिटी एल्कीन की हमेशा कैसे देखते हैं? जिसमें आसानी से हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है, इनमें आसानी से हाइड्रोजन इसमें ऐड होगा क्योंकि डिस्पर्शन क्या हो रहा है? इसमें कम हो रहा है, इसमें डिस्पर्शन ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा। क्लियर है? ये सही था सबका। चलो 48 के बाद 49, इसके अंदर देखो CH3OH के साथ हीट करा रहे हैं,
अच्छा ठीक है, सबका सही था ये, अब तो आप सही बोलोगे हैं। CH3OH हीट कर रहे हैं। बेटा पेपर को जरूर रीअटेम्प्ट करो, इससे आसानी पेपर आने हैं, जब हम प्रैक्टिस अच्छी करेंगे तो आसानी लगेगा। और टेंशन मतलब जो नहीं पढ़ रहे टेंशन तो उन्हें लेनी चाहिए। CH3OH, अब आप देखो हीट कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्ट बना रखी है, तब तो बिल्कुल ही कंफ्यूजन दूर हो गया। इसका मतलब क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी में SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है, पर ये वीक निकली फाइल है CH3OH, तो क्या होगा SN2 होगा। अगर ये CH3O- होता तो क्या बोल देते, सॉरी SN1 होगा क्योंकि वीक निकली फाइल है। अगर CH3O- होता स्ट्रॉन्ग निकली फाइल तो क्या होता ये SN2, पर ये क्या होगा SN1। क्या है बेटा ये वीक निकली फाइल है, तो 49 का SN1 ए पार्ट। अब देखो 50 में क्या है, 50 के अंदर BR से रिएक्शन करा रहे हैं एकदम देखो, और क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है NaOET, मतलब C2H5 Na+OET, ये क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो क्या होगा SN2 होगा, ठीक है SN2। इसके बाद 51 देखो, जो मैंने पूरा एज इट इज आपको मैकेनिज्म सबकी कराई हुई है, एज इट इज क्वेश्चन दे दिए, उसके बाद भी आप लोगों ने जल्दी जल्दी सिली मिस्टेक कर दी, नहीं तो पूरे नंबर आने चाहिए थे। 51। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ है, पूछा है कि सोल्वोलिसिस करा रहे हैं, तो सोल्वोलिसिस मतलब SN1 करा रहे हैं, वाटर से रिएक्शन है। अब कहता है कि रेसिमाइजेशन मैक्सिमम किसमें होगा, तो भाई रेसिमाइजेशन मैक्सिमम किसमें होगा आपको बताया था, जिसमें जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट और रिटेंशन प्रोडक्ट दोनों बराबर बनती जाएंगी, ठीक है। वैसे जनरली क्या होता है, जब भी हम SN1 रिएक्शन कराते हैं तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट थोड़ी ज्यादा होती है, रिटेंशन प्रोडक्ट थोड़ी कम होती है, बात बताई थी ना। लेकिन यह भी बताया था आपको कि एक्सटेंट ऑफ रेसिमाइजेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। अब सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बेटा किसके अंदर है, डी पार्ट में, क्योंकि OCH3 लगा हुआ है ना, OCH3+R होता है, तो डी पार्ट में रेसिमाइजेशन सबसे ज्यादा होगा। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इट इज अ टू स्टेप रिएक्शन, बिल्कुल सही है, टू स्टेप होती है, पहले में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है ना, और दूसरे में H+N निकल के और एरोमेटिक रिएक्टर आता है बी में। बस मैकेनिज्म पूरी की पूरी सारे ऑप्शन में दे दी, हाँ बी में क्या बनता है कि इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, सही बात है, लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोनियमाइन इंटरमीडिएट, सही बात है। इसको क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स और सिग्मा कॉम्प्लेक्स, एस कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ बेटा उसको सिग्मा कॉम्प्लेक्स कर लेना, वीलैंड कॉम्प्लेक्स, दिस कैन बी सॉल्व, ठीक है, पूरी मैकेनिज्म दे रखी है, ठीक है। क्या आंसर हो गया इसका, डी पार्ट हो गया, सबने किया होगा क्योंकि मैंने पूरी मैकेनिज्म बताई हुई है। 53 में अब देखो ये भी बताया था बेटा मैंने, नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4, नाइट्रेशन में हम HNO3 और H2SO4 में HNO3 बेस की तरह बिहेव करता है और H2SO4 एसिड की तरह बिहेव करता है, पर कैटलिस्ट दोनों होते हैं, याद करो मैकेनिज्म में पूरा लिखाया मैंने आपको। तो इसका 54 का आंसर H2SO4 एक्ट एज, अच्छा 53 HNO3 एक्ट एज, तो HNO3 किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह बिहेव करेगा, ए पार्ट आंसर। और H2SO4 किसकी तरह बिहेव करेगा, कैटलिस्ट भी होगा और एसिड की तरह बिहेव करेगा, इसका आंसर क्या हो गया, बी पार्ट, आ कैटलिस्ट, हाँ एसिड तो दे नहीं रखा तो कैटलिस्ट। 55 SO3H, सुनो ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि जो SO3H है, ठीक है, इस जब हम सल्फोनेशन करा रहे थे तो सल्फोनेशन में मैंने क्या लगाया था, देखो H2SO4 से हम ये बना रहे थे और मैंने इक्लोरम का साइन लगाया था, रीजन क्या है, क्योंकि अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। दूसरा याद करो, जब फिनोल के साथ हम SO3H लगा रहे थे और उसके बाद नाइट्रेशन करा रहे थे तो क्या बन रहा था, OH NO2 NO2। अब SO3H क्यों लिया हमने, एक तो SO3H इलेक्ट्रॉन को कम करेगा, दूसरा इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में जब इप्सो अटैक होता है, याद है इप्सो अटैक, तो इसकी लीविंग पावर ज्यादा होती है, ये मैंने आपको लिखाया हुआ है एज इट इज, तो इसका ए ऑप्शन। 56 सल्फोनेशन में, आयोडोनेशन में, और एक रिएक्शन और बताई थी मैंने, बताओ कौन सी, जिसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, एक आयोडोनेशन, एक सल्फोनेशन, और एक और बताई थी, लिखो चैट बॉक्स में कौन सी थी,
इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, लेकिन किस किस में होता है, किस किस में होता है आइसोटोपिक इफेक्ट? सल्फोनेशन में और आयडोनेशन में, हैलोजिनेशन नहीं, आयडोनेशन में सिर्फ, और एक में और, एक में और कपलिंग रिएक्शन में, नहीं बताया तो ध्यान रखना, कपलिंग रिएक्शन में भी स्मॉल आइसोटोपिक इफेक्ट विल ऑब्जर्व। बाकी जग जाहिर है आयडोनेशन और सल्फोनेशन तो होते ही हैं जिसमें आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, और जो KH और KD की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, है ना। लेकिन नाइट्रेशन में, बाकी और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में KH / KD कितना होता है? 1। आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है। इसके बाद है 57 क्या है? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट एग्जिबिट आइसोटोपिक इफेक्ट बिकॉज, ये भी बताया क्यों, क्योंकि स्लो स्टेप में NO2 अटैक कर रहा है और फास्ट स्टेप में H टूटता है, तो चाहे CH टूटे CD टूटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर होना चाहिए आपका 57 का, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट एग्जिबिट आइसोटोप इफेक्ट बिकॉज NO2 इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, ये नहीं होगा। CD बॉन्ड इज वीकर देन CH बॉन्ड, ये भी बात गलत है। सी पार्ट हो गया बोथ ए एंड बी, डी हो गया नन ऑफ दीज। इसमें तो आंसर गड़बड़ लग रहा है मुझे, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन डज नॉट एग्जिबिट आइसोटॉपिक इफेक्ट बिकॉज, हाँ ठीक है, NO2 गुड लिविंग ग्रुप नहीं है, उसमें क्या था SO3H गुड लिविंग ग्रुप था, तो उसमें आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा था, सारे रिवर्सेबल थे, है ना, लेकिन सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। इसका तो आंसर ये होना चाहिए था कि जो CH बॉन्ड है और CD बॉन्ड है वो किसमें टूट रहा है, फास्ट स्टेप में, ये ऑप्शन होना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से भाई इसका आंसर होना चाहिए डी पार्ट, नन ऑफ दीज, ठीक है, सहमत हो? पुअर लिविंग ग्रुप होने की वजह से स्लोली लीव करेगा, हाँ, तो पहला वाला जो स्टेप है वो स्लो होगा और दूसरा वाला स्टेप फास्ट होगा, ठीक है भाई, सही हो। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 58, X2Fe X3, इसकी पूरी मैकेनिज्म मैंने आपको कराई हुई है, एज इट इज इसने स्टेप दे रखे हैं, आंसर डी पार्ट ऑल ऑफ दीज होगा। अच्छा 59 देखो, आयडोनेशन कराया हुआ है मैंने आपको, आयडोनेशन में क्या होगा, हम HNO3 लेते हैं तो HNO3 क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, I2 को I+ में याद करो तो क्या बनेगा, आयोडीन आ जाएगा, आयोडिनेशन, HNO3 क्या करता है ऑक्सीडाइज करके I+ बना देता है। इसके बाद 60, ये भी रिएक्शन कराई हुई है, फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन है ना, CH3CH2CH2Cl, ये तो सबने कर दिया होगा इसको, AlCl3, भाई AlCl3Cl को हटाएगा यहां पॉजिटिव आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट होकर यहां पॉजिटिव आएगा, तो दोनों प्रोडक्ट बनेंगी, एक तो ये बनेगी जो मेजर होगी, इसको क्या बोलते हैं क्यूमीन, याद रखना क्यूमीन, क्या बोलेंगे इसको क्यूमीन, और दूसरी क्या बनेगी एन प्रोपाइल बेंजीन, ये क्या होगी माइनर होगी। लेकिन AlCl3 की जगह अगर FeCl2 ले लेते हैं तो फिर आयन पेयर बनता है, तो मेजर यही बनेगी, ठीक है। 57 का आंसर बेटा सही है, फर्स्ट ही होगा, क्योंकि लीव करने, लीविंग ग्रुप जो है वो पुअर है तो लीव नहीं कर पाएगा, तो पहला स्टेप ही स्लो होगा। वैसे तो करेक्ट, तो मोर करेक्ट तो होना चाहिए था अगर ऑप्शन में दिया होता कि जो CH और CD बॉन्ड है वो फास्ट स्टेप में लीव कर रहे हैं, पर हम अगर रिवर्स देखते हैं तो वो फास्ट स्टेप क्यों है भाई, अगर NO2 की जगह SO3H होता तो SO3H अच्छा लिविंग ग्रुप हो जाता है, तो जो सेकंड वाला स्टेप होता है उस पर रेट डिपेंड करने लगता है। चलो एक बार और एक ढंग से एनालाइज करना, फिर क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, देखो मैंने करा दिया है आपको, फिर देख लो CH2Cl2, AlCl3 ले रहे हैं, तो AlCl3 एक Cl को हटाएगा, क्या बनेगा CH2Cl, ये बनेगा। इसके बाद अगर ये एक्सेस अमाउंट में है तो फिर दोबारा से रिएक्शन होगी बेंजीन की, अब AlCl3 Cl को हटाएगा, ये जाके बेंजीन में लगेगा, तो ये बन जाएगा 1-1 डाइफिनाइल मिथेन बन जाएगा, तो मिक्सचर आएगा दोनों का, ठीक है। लेकिन मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, बी पार्ट होगा CH2Cl, ओनली ओनली ओनली, तो
अब देखो इसमें गड़बड़ है बेटा, 61 में अगर बेंजीन एक्सेस में दिया होता तब आंसर बी पार्ट लिखते, वैसे बी भी आएगा और ए भी आना चाहिए, दोनों ही बनने चाहिए, ठीक है ना। आंसर शुड बी सी, बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होना चाहिए 61 का, ठीक है। हाँ अगर पूछता बेंजीन एक्सेस अमाउंट में दे रखा होता तब, मेजर प्रोडक्ट पूछता तब बी पार्ट होता, इसका सी पार्ट होगा बेटा, ठीक कर लेना इसको। इसके बाद 62 HF, देखो ये सिमिलर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, इसी साल CH2, और मुझे लग रहा है आप लोगों ने कर लिया होगा इस तरह का क्वेश्चन, मैंने सब्जेक्टिव डीपीपी में भी दिया था आपको, ठीक है, और आपको बताया था, देखो सेम ही क्वेश्चन कराया था, पहले H प्लस आयन अटैक करेगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और मैंने आपको बताया था कि अगर टर्शरी बन रहा होगा तो बना दोगे, तब नहीं देखोगे 6 मेंबर रिंग बन रही है 5 मेंबर रिंग, क्योंकि 5 भी स्टेबल होती है, 6 ज्यादा होती है नो डाउट, तो इसमें क्या सेकेंडरी से टर्शरी बन रहा है तो हाइड्राइड शिफ्ट कर दोगे, यहां पॉजिटिव आ गया, अब देखो ये जाकर यहां अटैक कर जाएगा, तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी, आंसर इसका सी पार्ट होगा। ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पिछले साल IIT के अंदर पूछा गया है, IIT में जनवरी वाले में शायद पूछा गया है ना, हाँ जनवरी तो हुआ है अभी। चलो देखो आगे नेक्स्ट 63 में रिएक्शन नहीं होगी क्योंकि Cl का लोन पेयर किस में आ रहा है, रेजोनेंस में, देखो ये है 63 CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हमने पढ़ लिया है, अगर AlCl3 की रिएक्शन कराएंगे तो AlCl3 Cl को हटा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो कार्बोकोटाइन बनेगा वो क्या बनेगा, बहुत ज्यादा अनस्टेबल, तो बनेगा ही नहीं, तो नो रिएक्शन, डी पार्ट आएगा इसके अंदर। इसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक पूछ रहा है कि किस पर इलेक्ट्रोफाइल फास्ट अटैक करेगा, देखो जल्दी बताओ, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर OMe लगा हुआ है, एमी मतलब मिथाइल, बेंजीन के ऊपर SME लगा हुआ है, तो भाई सबसे ज्यादा इस पर अटैक करेगा क्योंकि इसका प्लस आर ज्यादा होगा, एस वाले का प्लस आर कम हो जाएगा क्योंकि साइज बड़ा है, यहां 3P है या 2P है, प्लस आर इसका कम होगा, इसमें तो है ही नहीं प्लस आर, तो पहला इसका, दूसरा इसका, तीसरा इसका, आंसर हो गया इसके अंदर सेकेंड थर्ड फर्स्ट सी पार्ट। ऐसी क्वेश्चन नंबर 65 देखो, ये भी तुम सबने कर लिया होगा, इसमें भी इलेक्ट्रोफाइल का टैग बताना है, एस एम ई, दूसरा है एस डबल बॉन्ड ओ एम ई, लोन पेयर तो है, और तीसरे में लोन पेयर नहीं है, तो भाई तीसरा तो डीएक्टिवेटिंग हो गया, मेटा डायरेक्टिंग हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर तो इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक नहीं करेगा, इस पर करेगा सबसे ज्यादा, इस पर ये थोड़ा कम हो गया, ये सबसे कम हो गया, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ए पार्ट। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेटेड बाय द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग हैज लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं एग्जाम में, लोएस्ट एनर्जी, तो देखो ध्यान से, NO2 मैं करा भी चुका हूं आपको, अगर हमने ऑर्थो पे अटैक करा दिया इसको, इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पे अटैक करा दिया बेटा, तो पॉजिटिव चार्ज NO2 वाले कार्बन पे आ जाएगा, जो कि बहुत अनस्टेबल होगा, हाई एनर्जी होगी, हाई एनर्जी, वेरी अनस्टेबल, बहुत अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसलिए कहां पर अटैक करते हैं, मेटा पर, अगर पैरा पर भी अटैक कराते ना तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाता NO2 पर, और N पर कोई लोन पेयर नहीं है, इसका तो माइनस आई और माइनस आर ही लगेगा, तो इसलिए मेटा पर अटैक करता है, और मेटा पर अटैक करने के बाद यहां पॉजिटिव, और ये देखो अब रेजोनेंस कराओगे तो यहां आएगा, इस वाले कार्बन पर कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, तो ये बहुत अनस्टेबल हो गया, ये इससे थोड़ा ज्यादा स्टेबल है, तो लीस्ट एनर्जी किसकी होगी भैया, लोएस्ट एनर्जी, अच्छा लोएस्ट एनर्जी पूछिए, तो मैक्सिमम स्टेबल, तो मैक्सिमम स्टेबल कौन सा होगा, सी पार्ट, क्योंकि NO2 नहीं लगा हुआ है, इजी हो गया बहुत। सी के बाद कौन सा होगा, सी के बाद बताओ, ऑर्डर बताओ, सी पार्ट इज मोस्ट स्टेबल, सी पार्ट मोस्ट स्टेबल होगा, बिल्कुल सही बात है, सी के बाद ऑर्डर बताओ, सी के बाद, सी के बाद क्या होगा, बी, बी के बाद क्या होगा, ए, हाँ ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग, फिर 65 है, इसमें पूछा लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी मतलब मोर स्टेबल, तो कौन सा होगा, देखो 67 का,
67 में सबसे ज्यादा स्टेबल होगा इसके अंदर भाई डी पार्टी होगा, इसका आंसर सही करोगे आप, क्योंकि बी आर है ना, तो पी पाई बॉन्डिंग तो बोल सकते हो पर बी आर में 4P होगा। और हम बताते भी हैं कि हेलोजन में, हेलोजन का जो माइनस आई होता है प्लस आर से ज्यादा होता है, इसलिए बेंजीन पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करने का रेट ज्यादा होगा, अगर हेलोजन लगा होगा तो कम हो जाता है। तो इसका आंसर है गड़बड़, इसका आंसर होगा आपका फिर से डी पार्ट। हाँ, डी पार्ट के बाद होगा ए, ए के बाद होगा बी, सहमत हो? बोलो। हाँ भाई, 67 में डी पार्ट होगा, क्योंकि हेलोजन तो हेलोजन का माइनस है प्लस आर से ज्यादा होता है ना, जैसे ये था, ये हमने बी आर लगा दिया, और बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करने का रेट किसमें होगा, बेंजीन में ज्यादा होगा, क्योंकि हेलोजन के केस में माइनस आई प्लस आर से ज्यादा होता है। ठीक है, अब अपने नंबर देखो, आप लोग बढ़ गए होंगे, दो क्वेश्चन का आंसर सही कराए है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्मा कॉम्प्लेक्स जनरेटेड बाय द अटैक ऑफ एन इलेक्ट्रोफाइल ऑन रिंग हैज द लोएस्ट एनर्जी, लोएस्ट एनर्जी। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ये पायरिडीन की रिएक्शन करा रहे हैं, पायरिडीन नहीं पायरोल की, ध्यान रखना। अब अटैक हैज द लोएस्ट एनर्जी, अच्छा ए पार्ट जो है बेटा ये है, इसको अच्छे से देख लो, एच ई यहां पॉजिटिव चार्ज आ गया, और बी पार्ट हो गया ये, बी पार्ट एन एच, एच और ई यहां पॉजिटिव आ गया, और सी पार्ट हो गया ये, देखो ध्यान से, शायद नॉन मेडिकल में नहीं है क्वेश्चन ये, एच या होगा ई और एच है ना। अब देखो यहां क्या हो गया, पी पाई बॉन्डिंग हो रही है, बिल्कुल सही बात है, पर यहां पर एक्सटेंडेड रेजोनेंस भी है, और यहां पर आकर पी पाई बॉन्डिंग भी हो रही है, तो ज्यादा स्टेबल होगा सी, सी के बाद होगा बी, बी के बाद होगा ए, सी बी ए, क्लियर है ना बेटा। देखो पी पाई बॉन्डिंग यहां हो रही है, पर यहां के बाद यहीं रुक गया भाई, इतना ही होगा रेजोनेंस, पर ये यहां से यहां तक होगा रेजोनेंस, और यहां पर आकर पी पाई बॉन्डिंग भी होगा। ठीक है, तो लोएस्ट एनर्जी मतलब ज्यादा स्टेबल इसके अंदर सी पार्ट होगा, क्लियर है। इसके बाद 69, अब आप देखो ध्यान रखो, मैंने आपको बताया था अगर ROH की रिएक्शन सिर्फ SOCl2 से हो रही है तो इन्वर्जन नहीं होता, अगर R कायरल है तो इन्वर्जन नहीं होगा, कौन सी मैकेनिज्म थी, SNI, याद रखो। अगर इसके साथ हम कोई बेस ले लेते हैं, टर्शियरी अमीन ले लिया आपने, पायरिडीन ले लिया है ना, SOCl2 के साथ आपने बेस ले लिया, जैसे इसने टर्शियरी अमीन ले लिया NR3, तब क्या हो जाता है, इन्वर्जन हो जाता है। दोनों क्वेश्चन दे दिए देखो आपको रिवाइज कराने के लिए, और मैंने ये रिएक्शन करा चुका हूं आपको, ठीक है ना, ये बेस्ट मेथड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइललाइड, क्योंकि SO2 और HCl तो गैस है, वो तोड़ जाते हैं, तो यील्ड ज्यादा मिलती है। अब 69 और 70 में यही है, एक में बेस ले रखा है तो इन्वर्जन हो जाएगा, एक में बेस नहीं लिया हुआ है, सिर्फ SOCl2 है, तो इन्वर्जन नहीं होगा, रिटेन रहेगा। बेटा फिर देखोगे माइनस आई से, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है तो उसमें आप कैसे बताओगे लोएस्ट एनर्जी है, फिर तो माइनस आई इफेक्ट देखोगे, बना के देखोगे पॉजिटिव चार्ज और माइनस आई इफेक्ट लगा लोगे। इसके बाद देखो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है आगे, फिजिकल के आगे शाम को मिल जाएंगे ऑर्गेनिक। हाँ देखो ये क्वेश्चन में गलती की है आपने, इंटीजर टाइप में काफी बच्चों ने गलती की है, इसमें बताना है आपको विच कंपाउंड अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक मोर रैपिडली देन बेंजीन। तो भाई बेंजीन के ऊपर अगर CH3 होगा तो बेंजीन से ज्यादा होगा, ए भी बेंजीन से ज्यादा है, बी भी बेंजीन से ज्यादा है, अगर बेंजीन के ऊपर NCH3 का होल ट्वाइस है ठीक है वो भी ज्यादा होगा, बेंजीन के ऊपर SO3H है तो कम होगा, बेंजीन के ऊपर NO2 है वो भी कम करेगा इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, ई पार्ट बेंजीन के ऊपर OCH3 है बढ़ाएगा, बेंजीन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, और इसके बाद एफ में बेंजीन पर NH2 है, एन पे लोन पेयर है ये भी बढ़ाएगा, हाँ जी में एन पर प्लस आ गया NR3+ तो मेटा डायरेक्टिंग है कम करेगा, एच में बेंजीन के ऊपर टर्शियरी ब्यूटाइल लगा हुआ है तो प्लस आई से बढ़ाएगा, और आई में CO लगा हुआ है तो CO क्या करेगा माइनस आई माइनस आर है कम करेगा,
और जे में बी आर लगा हुआ है, तो बी आर होता तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, पर बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेगा क्योंकि माइनस आई प्लस आर से ज्यादा होता है। तो आंसर क्या होगा भाई इसका, मोर रेपिडली अटैक विद बेंजीन। तो ये हुआ आपका 1, 2, 3, 4, 5 ए पार्ट, ठीक है, ये सही होगा आप लोगों का। 82 विच कंपाउंड गिव मेटा सब्स्टिट्यूशन अंडर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। मेटा सब्स्टिट्यूशन कौन कौन सा देगा, देखो एक तो सी पार्ट बेंजीन पर SO3H है, डी पार्ट बेंजीन पर NO2 है, और जी पार्ट बेंजीन पर NR3+ है, और आई पार्ट CO है। तो कितना हो गया है, 5, 1, 2, 3, 4 आएगा आंसर 82 का, है ना, 4 आएगा मेटा डायरेक्टिंग वाला, 82 का 4 है। 83 हाउ मेनी कंपाउंड आर डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो बेटा डीएक्टिवेटिंग कौन है, जैसे बीआर डीएक्टिवेटिंग है पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है, तो आंसर क्या है, एक ही हुआ, हेलोजन डीएक्टिवेटिंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो इसका आंसर हो गया आपका सी पार्ट, एक ही आंसर है। अब देखो 54 में डायल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो आप, तो मोर वोलेटाइल और लेस वोलेटाइल, देखो ध्यान से, डायल्यूट HNO3 से रिएक्शन करा रहे हो तो मोर वोलेटाइल और तो OHNO2, ये मोर वोलेटाइल होगा OHNO2, ये लेस, ये मोर वोलेटाइल क्यों है बेटा, चिलेशन की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कम तो वोलेटाइल नेचर ज्यादा होगा, तो ए मोर वोलेटाइल है, बी लेस वोलेटाइल है। इसके बाद SnHCl और NaNO2HCl से रिएक्शन करा रहे हैं, तो भाई SnHCl से रिएक्शन कराओगे मान लिया इसकी, तो क्या बनेगा, बता दिया मैंने NO2 किस में कन्वर्ट होगा, NH2, है ना, NO2 को NH2 में रिडक्शन कर दिया, चाहे FeHCl से कर दो रिडक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद आप NaNO2 और HCl से कराओगे तो क्या बनेगा, मैजिक रिएजेंट N2+Cl-N बनेगा। इसके बाद इसकी रिएक्शन आप फिनोल से करा रहे हो, याद करो कपलिंग हो जाएगी, फिनोल से रिएक्शन करा रहे हो तो क्या हो जाएगी, कपलिंग, कपलिंग होगी, और देखो स्लाइटली बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो क्या बन गया भाई, ये N डबल बॉन्ड N, ये OH। अब इसका डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछा है, तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट क्या होता है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, 1, 2, 3 एक रिंग का 4, 1, 2, 3 एक रिंग का 4 और N डबल बॉन्ड N का 1। भाई रिंग का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 होता है, डबल बॉन्ड का 1 होता है, ट्रिपल बॉन्ड का 2 होता है, तो इसमें डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना हो गया 9, या डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो गया 9, और आंसर क्या है 9 सी पार्ट, ठीक है। इसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, नहीं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ना, हाउ मेनी ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इन द इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर कौन सा होगा बेटा, NH2 होगा, दूसरा COH है ये मेटा डायरेक्टर होगा, N डबल बॉन्ड हो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, लोन पेयर है, COH क्या होगा मेटा डायरेक्टर, OME क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है देखते जाओ। इसके बाद OCOCH3 क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ठीक है लोन पेयर है बेंजीन पे लगा होगा, तो ये इथाइल क्या होगा ऑर्थो पैरा डायरेक्टर हाइपर कंजुगेशन की वजह से, CH2CH3 ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। इथाइल के बाद ये CO NH, तो भाई CO है क्या होगा मेटा डायरेक्टर, हटा दो। इसके बाद है डबल बॉन्ड, ये सॉरी सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड NH2, तो भाई लोन पेयर है, इस पर लोन पेयर है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, और SO3H क्या होगा मेटा डायरेक्टर, तो क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है 6 ही है। 86 अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ SN1। अभी पुराने क्वेश्चन है, SN1 के लिए क्या देखोगे, SN1 में आपको देखना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ठीक है सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन किसमें होगा, सेकंड वाले में, सी पार्ट हो गए, ये पुराने वाले टेस्ट के हैं कुछ क्वेश्चन,
मेडिकल में पुराने वाले आ गए थे 3-4 क्वेश्चन। 87 द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मिथाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल एंड इथाइल अल्कोहल इन एस्टरीफिकेशन। पुराने टेस्ट का है, जैसे जैसे अल्कोहल का साइज बढ़ता है तो रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन कम होता है। न्यूक्लियोफिलिसिटी पुराने टेस्ट का है, साइज बढ़ेगा, हिंड्रेंस बढ़ेगी न्यूक्लियोफिलिक एटम के दोनों तरफ, तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, इसलिए आंसर होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड। ए पार्ट आइडेंटिफाई करेक्ट न्यूक्लियोफिलिक ऑर्डर, ये भी पुराने टेस्ट का है, करा दिया है, ठीक है। अभी पीछे पुराने वाला, अच्छा ये देखो क्वेश्चन नंबर 90, एक बार ध्यान से, वैसे तो ये भी शायद पुराने वाले का ही है पर देख लो 90। भाई हमको इससे ये चाहिए, तो पहले आप NO2 तो लगा नहीं सकते, अगर आपने पहले NO2 लगा दिया तो क्या बन जाएगा, मेटा डायरेक्टिंग, तो पहले क्या कराओगे आप, ब्रोमिनेशन, पहले ब्रोमिनेशन इसका Br2 FeBr3, तो क्या लग जाएगा Br, अब क्या करा दो नाइट्रेशन, बन गया, ठीक है खत्म हो गया भाई ये, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, बोलो। 85 के 9th पार्ट में लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जाएगा, बेटा जाएगा उसके बाद भी, देखो ये जो होता है ना, समझो ध्यान से, जैसे ये है NHCOCH3 है ना, लोन पेयर यहां भी जा रहा है, यहां भी तो जा रहा है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, ठीक है चलो।